भारतीय विज्ञान के इतिहास और नवीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक महोत्सव की परिकल्पना की गई। विज्ञान भारती यानी विभा की इस सोच को साकार रूप देने के लिए ही साल 2015 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत हुई और इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी छठे IISF का आयोजन 22 से 25 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कोविड के चलते इस बार का IISF वर्चुअल माध्यम से होगा। हमारा तो प्रयास है कि लाखों से लोगों को इसमें जुड़ा पाए, क्योंकि ये एक हमारा अवसर होता है जिस वक्त हम हमारे प्रयोगशाला में जो विज्ञान होता है वो लोगों तक उसे पहुंचा पाए। क्या होता है कि काफ़ी लोगों में ये रुचि रहती है कि वैज्ञानिक चार दीवारों के पीछे में क्या करते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस करते हैं, उससे क्या निष्कर्ष होता है, उससे समाज को क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे सवालों का जो जवाब है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान को बहुत सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना ये बहुत कठिन काम है। और इसलिए IISF जैसे जो फेस्टिवल्स हैं उनका मकसद यही होता है कि हम लोगों तक हमारा जो एक्साइटमेंट है वो ले जा पाएं। इस बार आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण के लिए विज्ञान के शीर्षक के तहत विज्ञान से जुड़े 41 विभिन्न विषयों को शामिल किया जाएगा, जिनमें इस बार भारतीय विज्ञान का इतिहास, दर्शन और विज्ञान, एग्रीटेक, स्वच्छ वायु, ऊर्जा, अपशिष्ट और स्वच्छता, जैव विविधता और विज्ञान कूटनीति जैसे प्रासंगिक विषयों को जोड़ा गया है। खास बात है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ अब IISF में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य संस्थान भी सहभागी बन चुके हैं। बात अगर IISF के अब तक के सफर की करें तो IISF का पहला संस्करण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 8 विषयों के तहत विभिन्न आयोजन किए गए थे। IISF के दूसरे एडिशन का आयोजन नई दिल्ली स्थित CSIR की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में किया गया। अपने दूसरे साल यानी 2016 में IISF को एक थीम के साथ मनाया जाने लगा और 2016 की थीम थी साइंस फॉर द मासेस, जिसमें 9 विषयों को शामिल किया गया था। तीसरा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चेन्नई में आयोजित किया गया। नए भारत के लिए विज्ञान शीर्षक के तहत इस महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से IIT मद्रास, अन्नामलाई विश्वविद्यालय सहित चेन्नई स्थित CSIR के कई संस्थानों ने किया। IISF 2017 की अगुवाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने की, जिसमें 16 विषयों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ IISF का चौथा एडिशन साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक के तहत IISF 2018 में 22 विषयों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस महोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ने निभाई। IISF 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 5वें संस्करण का आगाज यहां कलकत्ता में 5 नवंबर 2019 को हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 28 पैरेलल इवेंट्स हैं जो यहां आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में लगभग 15,000 से 20,000 के बीच छात्र, साइंटिस्ट, किसान और आम आदमी हिस्सा ले रहे हैं। साल दर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अपने हर एडिशन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में सफल रहा है। इसी को देखते हुए इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि IISF 2020 डिजिटल तरीके से पहले से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल से जुड़े अपडेट हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए न्यूज़ इन साइंस के साथ। नमस्कार।